अस्सलाम वालेकुम, मेरी तरफ से बहुत 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 सलाम अलैकुम सबको, और मेरी तरफ से बहुत बहुत 23 मार्च सब सबको बहुत बहुत मुबारक हो। स्पेशली वो लोग जो पाकिस्तान से बाहर हैं उनको बहुत ज़्यादा मुबारक, क्योंकि उनको पाकिस्तान की ज़्यादा याद आती है, और मुझे पाकिस्तान की आज स्पेशली बहुत याद आती है। जब भी मैं पाकिस्तान से दूर होती हूँ और ऐसा कोई दिन आता है तो मुझे कौमी तराने और सब वो चीज़ें याद आती हैं जो मैंने अपने पाकिस्तान में, किसी भी फैशन शो से पहले जब कौमी तराना चलता है तो वो जो फीलिंग है वो सारी जो है वो आज बहुत बेहद याद आ रही हैं। तो सबको 23 मार्च पहले बहुत बहुत मुबारक हो। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरे बहुत बहुत प्यारे कुलीग्स हैं, बहुत बहुत प्यारी सहेलियां हैं, बहुत प्यारे सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने मेरे लिए ख़ास तौर पर वक्त निकाला है, आप लोगों के लिए वक्त निकाला है ताकि हम उनके साथ कुछ बातें कर सकें, उनको एक लाइटर नोट पे जान सकें। बहुत सारे इंटरव्यूज़ और लाइव इंस्टाग्राम ऐसे होते हैं जिस पर बहुत सारी सीरियस बात हो जाती है, बहुत इमोशनल बातें होती हैं। मैं नहीं चाहती थी कि हम ऐसी बातें करें, मैं चाहती थी कि हम बहुत कैजुअल बातें करें और सेलिब्रिटीज़ को ऐसे जाने जैसे वो नॉर्मल ज़िंदगी में होते हैं। तो इससे पहले कि मैं आप लोगों का और मज़ीद टाइम जो है उसे ज़ाया करूं और इस तरह बातें करती रहूं, क्योंकि मुझे बातें करने का बहुत शौक़ है, तो आप देख ही रहे हैं आज हमारे साथ एक बहुत ही खूबसूरत, मैं कहूँगी कि वो सिर्फ एक खूबसूरत अदाकारा नहीं है लेकिन वो एक बहुत बहुत खूबसूरत इंसान है, और उन्होंने हमेशा बहुत, जिसे कहते हैं, अब मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मुझे इंग्लिश वर्ड्स याद आते हैं, फिर मैं सोचती हूँ कि मैं उनको उर्दू में कैसे कहूँ, लेकिन इसको मैं बहुत आसानी तरीके से ये कह सकती हूँ कि बहुत कम लोग हैं जिन पर मुश्किल वक्त आता है और वो उसको इतने खूबसूरत तरीके से जो है सहते हैं और सहकर उससे ताकत हासिल करते हैं। सो ये शख्सियत जो है कुछ ऐसी ही हैं, बहुत खूबसूरत मॉडलिंग भी करती हैं, ड्रामों में तो आप आजकल देख ही रहे हैं, इससे पहले भी देखते रहे हैं, और मैंने एक सवाल गलती से लोगों से पूछ दिया कि निम्रा से क्या पूछा जाए, तो सबसे ज़्यादा सवाल ये आया कि उनकी स्किन केयर पूछ लें। सो ये भी मैं पूछूंगी लेकिन मैं और बहुत मज़ेदार बातें करूंगी। सो आप लोगों का टाइम और मज़ीद वेस्ट नहीं करते और आई सी इफ निम्रा इज़ ऑनलाइन, आई टेक हर एंड देन वील आस्क हर, एंड मेरी तरफ से दोबारा सबको 23 मार्च बहुत बहुत मुबारक। अस्सलाम अस्सलाम कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं हसीना? बिल्कुल ठीक। पता है आपको, पता है आपको देख के मुझे इतना अच्छा लगता है, मुझे आपके साथ आपके इंस्टाग्राम की सारी पोस्ट, आई फील लाइक आई एम लाइक फैंटेसाइंग एवरीथिंग विद यू, योर ड्रीमी पिक्चर्स। आप कैसे हैं? अपना बताओ, कैसी हो, क्या कर रही हो आजकल? बिल्कुल ठीक हूँ, और बस आजकल 3 महीने के लिए अपने आप को ब्रेक दे दी थी मैंने, क्योंकि मैं, मेरा भी ड्रामा चल रहा था, मुझे खुदा पे यकीन है चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी बहुत अच्छा, लाइक यू नो ये जो मेरे प्यारे प्यारे फैंस हैं बहुत अच्छा ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, बहुत दिल से देख रहे हैं, तो मैंने कहा जब दिल से देख ही रहा है तो फिर रेस्ट करते हैं थोड़ा सा, इसी पे इनको फोकस रखते हैं, तो ये मैंने अभी तक कुछ साइन नहीं किया, बट अब डेफिनेटली फर्दर ऑन आई विल साइन समथिंग रियली नाइस। बट जिंदगी में उसके अलावा ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा, बस खुश रहने की कोशिश करते हैं और रहने की कोशिश करते हैं और रखने की कोशिश करते हैं बस। या बहुत अच्छी बात है, तो फाइटर तो आप हैं ही निम्रा, आपके एक्सीडेंट से लेके जिंदगी में भी कितने एक्सीडेंट्स भी हुए हैं जिनका बिल्कुल हम जिक्र नहीं करना चाहते, जरूरी भी नहीं है, वो आप कहाँ से इतनी हिम्मत लाती हैं? ओके, पहले तो पहली बात ये कि मे बी मैं स्पोर्टी थी हमेशा से, लाइक आई यूज्ड टू प्ले स्क्वैश, तो एक स्पोर्ट्स की जो विल होती है ना वो बहुत स्ट्रांग होती है हमेशा से, ये मैं अपने आप को क्रेडिट नहीं दूंगी, ये सेकेंडरी है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल ये अल्लाह मियां की तरफ से था कि मैं हर सिचुएशन से बहुत इजीली ओवरकम कर पाई विदाउट एनी एफर्ट, नहीं एफर्ट तो बहुत थी लेकिन ये जंग तो बहुत लड़ी हर चीज में, लेकिन ये कि स्मूथली बाहर आ गई उसके बाद, लाइक यू नो
फिर भी अल्लाह ने उतना ही हसीन रखा मैं और ज्यादा माशाल्लाह काम कर माशाल्लाह सकी लेकिन माशाल्लाह ये कि मुझे माशाल्लाह। अपना नाम बहुत अच्छा लग रहा है आपके पीछे, मैंने एकदम नोट किया अभी निम्रा मेरे लिखा तरफ दिन मैं है ना, क्या करूं, मेरी तरफ दिन है, वही आपकी तरह की लाइट भी नहीं पकड़ सकी मैं, वरना मैं शाम को करती हूँ, मेरी फेस लाइट भी अच्छी होती आपको पता है आई है। वॉज ड्राइविंग और मैं रास्ते में थी जब मुझे मुझे टाइम मैंने जब देखा मैंने इतनी स्पीड में चलाया कि मैंने कहा मैं घर जाके ला मतलब बताओ क्योंकि गाड़ी मतलब मुझसे आपके आपसे लाइव गाड़ी में बात करनी पड़ती है और मेरा चेहरा भी नहीं दिखता लेकिन चले आपकी कोई नहीं रेड लिपस्टिक बहुत मशहूर है, बहुत सारे सवाल मुझे आए हैं। बहुत सारे निम्रा सवाल मुझे लड़कियों ने किए हैं, उनको पहले मैं कर लेती हूँ, उसके बाद मैं अपनी कैजुअल टॉक आपके साथ शुरू डन करती हूँ। मुझे डन। लड़कियों ने पूछा है, निम्रा से ये जरूर पूछिएगा कि उनकी स्किन केयर क्या है। अच्छा ऑनेस्टली स्पीकिंग टू बी ऑनेस्ट अल्लाह की कसम झूठ नहीं बोलूंगी आप लोगों से, मैंने अभी स्किन पे अपनी स्किन पे कुछ नहीं लगाया हुआ, सिर्फ हाइलाइटर लगाया हुआ है यहाँ पर ठीक है बट नो फाउंडेशन नो नथिंग। मैं मोस्टली जो लगाती थी सर्दियों में वो खोपरे का तेल लगाती थी जो फ्रेश मैंने ऑर्गेनिक निकलवाया हुआ था ऑर्गेनिक। अब मैं क्या एक लेट मी शो यू एक सेकंड मैं खुद दिखाती हूँ वरना फिर लोग कहेंगे कि हमें बताती नहीं है। या ये So देखिए, ये this होता is है प्रोफेशनलिज्म। something, which I can show you. Maybe skin aqua. ये एक ओके सनब्लॉक पीआर, it's a really good moisturizer. किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें जल्दी से। मैं हटाने वाली हूँ, इसको हटा दिया। तो सिर्फ ये लगाती हो या रात को कोई प्रॉपर, जिसे कहते हैं कुछ फेस के लिए यूज करके सोती हो, लगा के सोती हो, या सुबह उठ के एक रूटीन अच्छा है? मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है तो सर्दियों में मेरी स्किन पे मैं एज अ टोनर भी कोकोनट ऑयल लगाती थी, मतलब कॉटन में कोकोनट ऑयल लगा के उसी से साफ करती थी। और अगर मेकअप लगा होता था तो मेकअप को थोड़ा सा ऑयल कोकोनट ऑयल से ही मसाज करती हूँ क्योंकि आप लोग तो डेफिनेटली सर्दी वाले मुल्क में रहते हैं और जो भी मेरे फैंस हैं वो देख रहे हैं तो आप लोग के लिए तो इजी होता है 12 महीने ऑलमोस्ट कि आप लोग कोकोनट ऑयल से ही मेकअप को क्या कहते हैं मसाज करते हुए वो फिर आपकी फाउंडेशन थोड़ी नरम हो जाती है और फिर उसी ठीक को है। कॉटन से साफ करें। आप कोई भी जो आपकी स्किन पे फेस वॉश यूज सूट करता है उसके बाद आप कोकोनट ऑयल लगाकर ही सो जाए रात को। वाह आई गारंटी यू कि लिटरली मेरी स्किन पे मैं सिर्फ वही लगाती हूँ और मैंने कोशिश करती हूँ कि मैं ड्रामों के अलावा अपनी स्किन पे कभी फाउंडेशन ना लगाऊं। ऑल द डार्क सर्कल बहुत ज्यादा हो रहे हैं, कंसीलर भी नहीं लगाया है मैंने मैंने तो लेकिन मैं पूरी तैयारी करके बैठी हूं, और आजकल मेरे पिंपल्स लेकिन भी निकले, नहीं सब ठीक है। लेकिन ये कि मेरी रेड लिपस्टिक मेरा सिग्नेचर स्टाइल है मैं यस, तो वो कुछ कौन सी पहनू ना रेड लिपस्टिक है जो पहनू आप लगाती हैं निम्रा? रेड कुछ भी मिल जाए अच्छा वैसे वैसे ये ओरिफ्लेम की है, ओरिफ्लेम की है ये लिपस्टिक। लेट मी शो दैट अगेन। मैं कुछ नहीं छुपाती, छुपा के भी क्या अच्छी बात है, मैं फायदा। रूबी ब्लू की लगाती हूँ। तो ये कि रेड लिपस्टिक से मुझे अब तो मुझे लिटरली इतनी आदत हो गई कि मैं इसको लगाकर सोती हूँ क्योंकि सुबह मुझे ऐसा लगता है मैं बीमार हूँ तो ये लगाते ही सोती हूँ मैं। ये अच्छा ओरिफ्लेम का शेर है ये। तो टेक अ ओके, स्क्रीनशॉट। वाकई ओरिफ्लेम का है, ये ओरिफ्लेम का है वाह। और ये मैट है और ये इट्स काइंड ऑफ लेकिन पिंक, मतलब ये आप पर्पल वाले ही लिप्स नहीं। कौन कहां से लेके आए लिपस्टिक? लोगों को एक बात समझ नहीं आती कि स्किन केयर, कुछ लोग होते हैं जिनकी स्किन होती, मतलब इनहेरिटेड होती है, अल्लाह की तरफ से होता है, और मेरा ख्याल है आप लोगों में से ज्यादातर लोग वही हैं जो इनहेरिटेड हैं। मैंने आपकी कुछ नहीं, 3 दिन तस्वीर, पहले मुझे बहुत बड़ा एक्नी था यहाँ पर बहुत मुश्किलों से खत्म किया उसका मैंने आपने कैसे इलाज किया? पहले तो उसको मैं रोज उसको ना और टॉवल से प्रेस करती रहती थी कि अंदर 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 हो कि अनइवन भले वो मार्क छोड़ दे लेकिन अनइवन ना लगे मेरी स्किन कि मैं इस फाउंडेशन से कवर कर लूं लेकिन ये कि नहीं दबरा, नहीं ऐसे नहीं कोशिश करोगी प्रॉपर टच। निम्रा, दबा। निम्रा को किस चीज से डर लगता है, छिपकली, मकड़ी या कॉकरोच से? इन तीनों से नहीं, वाह, फिर किस चीज से चूहे से लगता है? लगता चूहे है से लगता। मर जाऊं चूहे को देखे लिटरली माउस। ओ नहीं मैंने लोगों को वो हाँ छिपकली देखते के भागते देखा है, लेकिन चूहे को देखते हुए नहीं भागा। लिटरली मैं चूहे को देख के कसम से मैं नहीं खड़ी होती मतलब लिटरली। अभी अभी कुछ दिनों पहले मैं स्कर्दू गई हुई थी तो वहां पर होटल में आ गया उफ, था
मैं ब्यूटीफुल। वो अफेक्ट तो उस वक्त जो थे वो उसके आफ्टर अफेक्ट भी थे मेरे मेरे में, मैं उस जगह से नहीं गुजरी हूँ जहां पर वो खड़ा था खुद. इसका मतलब है आपका फेवरेट कार्टून टॉम एंड जेरी तो नहीं हो सकता। नहीं, वो जब उसको माउस तंग करता, कैट जब वो टॉम तंग करता था तो मुझे बहुत खुशी होती थी. बहुत खुशी होती वो थी। एक निम्रा, अगर आप एक कार्टून करेक्टर होती तो आप हाँ कौन सा होना चाहती? बताओ यार, करो कौन सा. पावर पफ गर्ल्स में से कोई भी एक होती मेरी बेटी को भी मैं. बहुत पसंद। या कोई भी पावर गर्ल, लोग सुन ले जी, निम्रा अगर कार्टून होती तो वो पावर पफ गर्ल्स में से एक होती। निम्रा को एक ऐसी बात बचपन की जो घर वालों ने कही हो और आप जब बड़ी हो आपने कहा हो, चलो चल ना वड्डा झूठ तुसी मेरे नाल बोले सी। अच्छा, इसको भी जरा ट्रांस सबटाइटल्स चलाएंगे इसके. वो कौन सी ऐसी बात थी जो पेरेंट्स ने आपको ऐसे ही कह दी हो और आपको बड़े होके पता चलो कि ये तो सिर्फ डराने के लिए कहा जाती थी? डराने वाली बात तो नहीं, लेकिन जब दांत टूटता था तो कहते तकिए के नीचे रखने से परी आके ना कुछ गैप रख के जाएगी और सुबह वो उठ के तो मैं चिड़िया भी अपनी डाली बेटी के ना साथ आज भी करती हूँ, छोटी के साथ। टूथ फेरी आएगी उसको. जब और मम्मी हमने अब वो भूल प्रेजेंट जाते थे लेके नहीं ना, करके। जब मम्मी अब भूल जाते थे कहते थे कि शायद वो कहीं बिजी होगी बेटा, किसी और का दांत टूटा होगा और वो फिर जब याद आता तो वापस, ओहो देखो आधे घंटे के बाद रख कर चली गई, देखो उसको याद था तुम्हारा दांत टूटा. तो ये एक चीज ना मुझे अब समझ आती है कि वो क्या है, बाकी कोई डराने वाली चीज तो नहीं थी. और मोस्टली वो क्या चीज थी जो आपको गिफ्ट मिला करती थी हर दफा? गिफ्ट मिला करती थी, प्लीज आप मतलब मुझसे ये तकिए के सवाल नीचे। करें कि आपको गिफ्ट मिला करते थे पहले, तो आप ये सवाल हाय करें. कहाँ है आप सब, अम्मा अब्बा निम्रा के शिकवे सुन ले आप आज। और वो बर्थडे सेलिब्रेशन भी जो होती थी ना, वो गेट टुगेदर जीटी कहा जाता था उसको, वो मेरी बर्थडे नहीं होती थी, केक कटती सब मुझे भूल जाते थे कि कौन निमरा क्या. लिटरली इतने बड़े बड़े डब्बे पैक आते थे, उसके अंदर से इतनी इतनी चीजें निकलती थी, वो गुड़िया, वो चलने वाली साइकिल. आज सोचो ना तो कहते थे ये दिया क्या, लाइक कुछ फ्यूचर का सोच के देते. लेकिन जब से फ्यूचर में मैं प्रेजेंट में आई हूँ ना, उस वक्त के फ्यूचर में जब मैं प्रेजेंट में आई हूँ, तब से किसी ने मुझे कोई गिफ्ट नहीं दिया. निम्रा हाँ को मैं जर्मनी ये से एक पैकेट भिजवाऊंगी, ड्राई स्किन और ऑयली स्किन के लिए कुछ प्रोडक्ट्स। निम्रा, परफेक्ट. अगर कोई गाना रीमेक बने पाकिस्तानी, तो वो कौन सा ऐसा गाना है जो आपको इतना पसंद है कि आप समझती हैं कि आपको उसमें जरूर होना चाहिए था, मुझे होना या चाहिए अगर उसमें. दोबारा बने तो आप उसमें होना चाहेंगी? आप बहुत गाने गुनगुनाती हैं अपने वीडियोस पे, अब आप इस तरह ना बने समझ आइए, अक्सर आप ऐसे गुनगुना रही होती हैं वीडियोस, अबे अलग एक गाने नाच सुन और रही। एक कौमी गानों में कभी रिस्क नहीं मिलना चाहिए, लोग बहुत जलील करते हैं. वैसे आप गाने सड़े हुए गा ले तो मस्त आ रही है, लेकिन जब नाच और कौमी तराने वाली चीज आए ना, तो लोग बड़ा ना पेट्रियोटिक हो जाते हैं, नहीं ये कैसे नहीं गाया नहीं है. मैं तो आपको फिल्मी गाने का पूछ रही हूँ, कोई ऐसा पाकिस्तानी फिल्मी गाना जो ओ रीमेक बने फिल्मी और आप उस गाना, पे। हाँ अच्छा, नहीं फिल्मी तो नहीं मैं कह सकती, लेकिन नाजिया हसन का वो वाला गाना, वो दिल की लगी. ओ, दिल दिल की की लगी कुछ। ओ लगी वेरी ब्यूटीफुल। यस, तो उसका तो वीडियो स्मूथ अगर ना बने सेकंड, मैं तो उसको रीमेक करना चाहूंगी यार. गाकर के ट्राइज। ओके गाकर गाकर, गाकर वेरी नाइस। तो फिर सुनाई दे दो जुमले निम्रा। दो जुमले, ठीक है. हाँ दो, मैं ओके ज्यादा नहीं बोलूंगी वरना आप हाँ कहेंगी कि ओके. सारा मुझे गाना गवा दिया। दिल की लगी कुछ और भी, दिल को दीवाना करे, मेरी इल्तिजा है, खुदा से दुआ है, दो दिल जुदा ना करे. ओ दिल की लगी वाह, अच्छा मुझे नहीं लगा था कि इतना खूबसूरत चेहरे से इतनी खूबसूरत आवाज निकलेगी इस तरह की। वाह वेरी थैंक नाइस। तो ये जो आपने अपना टैलेंट जो है छुपा के रखा हुआ है, इसको कब आप यूज करेंगी? यू. है ना, हाँ मैं
मेरे अम्मी अब्बू का ड्रीम है कि मैं गा लूं गाना, लेकिन पता नहीं क्यों मैं इतनी केयरलेसनेस दिखा रही हूँ गाना गाने में, लेकिन देखिए मुझे निम्रा, बस अगर आपको मॉडल चाहिए हो तो मैं फ्री आपके वीडियो में मॉडलिंग कर लूंगी, आप गाना गा लीजिएगा, आपको बीच में आपके एक्टिंग करने की हस्बैंड के कोई साथ आपका जरूरत नहीं कपल है। माशाल्लाह बहुत प्यारा लगता है, मैं आप दोनों को हीरो हीरोइन लूंगी फिर, आप दोनों माशाल्लाह बहुत प्यारे लगते हैं एक साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच निम्रा। मैं सवाल बहुत मजेदार है एक मजीद निम्रा, किस एक्टर के साथ एक रोमांटिक फिल्म में काम करना चाहेगी? आपकी ऑप्शंस हैं, अच्छा ऑप्शंस आप देंगे क्या? ऑप्शन दे अच्छा रही हो आप, हुआ, अच्छा हुआ, हुमायूं ओके सईद, फाहद ओके मुस्तफा, ओके फवाद खान या ओके एहसन खान? आई थिंक फवाद खान। और क्यों? वो मैं कल लुक्स की आपको वजह से, टैग कर दूंगी एक्टिंग की वजह से, ओके। गाने की वजह से, उनमें भी उतने ही गुण है ना जितने आप में है। वो ऐसा लगता है कि माशाल्लाह से फहाद मुस्तफा भी बिल्कुल मेरी तरह लाउड पर्सनालिटी बोलने बोलना, एहसन खान भी बिल्कुल मेरी तरह लाउड पर्सनालिटी, और हुमायूं सईद थोड़े सटल हैं तो, और थोड़े उनके नहीं, साथ सारी बहुत हीरोइन सेटल्ड ऐसी है। ही हैं, सारी हीरोइनें तो उनके साथ मरती ऑलरेडी वैसे ही हैं। फवाद खान के साथ इसलिए क्योंकि उनकी आई थिंक उनकी लगता है, वो कहते हैं ना कि जिस चीज से आपको हमेशा मना किया जाए कि ये नहीं करना, आप नेचुरली उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हो, तो फवाद खान जितना नहीं दिखता और जितना नहीं बोलता ना, आप नेचुरली उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हो, तो मे बी इसलिए आई थिंक। मे भी इसलिए क्योंकि वो ज्यादा काम ही नहीं करते, वो कहते मैंने नहीं करना, मैं खूबसूरत हूं, मैं अपनी खूबसूरती कभी कभी थोड़ी थोड़ी दिखाऊंगा, ज्यादा एग्जैक्टली बेहतर है ना। और या निम्रा, अब मैंने एक बहुत खूबसूरत, एक मेरा छोटा सा सेगमेंट है ओके जिसका नाम है पाकिस्तान, यू नो, सो मिक्स चीजें हैं, मैं आपको ऑप्शंस भी दूंगी और आपका एक टाइमर भी ऑन होगा जिसमें आपके पास तकरीबन कोई 30 सेकेंड्स हैं, और उसके बाद ओके नहीं तो फिर ना सही, मतलब किया किया जा सकता है, नहीं जवाब ना हुआ तो इतना आपके पास इतनी दूर बैठ के मैं आपका क्या कर लूंगी या तो करीब होती तो फिर भी आ जाती, हाँ। लेकिन अब ये ऑनलाइन शॉर्टलाइन कोई गड़बड़ शड़बड़ भी नहीं हो सकती। कौन से पैसे भी सो डिडक्ट हाँ ना, मैं सवाल करूंगी उसके बाद टाइमर ऑन करूंगी। सो मैं ओके आपको, पाकिस्तान की पहली फिल्म कौन सी है? ऑप्शन ए तेरी याद, संगम, बी सी अमानत। लाइफ लाइन दीजिए हाँ जी, किसी को प्लीज। पकड़े, टेलीफोन कॉल करनी पड़ेगी। लाइन दीजिए मुझे नीचे से प्लीज, कमेंट से बता दे प्लीज। नहीं, अच्छा पाकिस्तान की पहली फिल्म कौन सी है, तेरी याद, संगम या अमानत? तुक्का बहुत अच्छा था। 7 अगस्त 1948 में तेरी याद आई, किसी ने लिखा था या गूगल किया जल्दी से? तो दो दो खाने में मोबाइल तो नहीं मेरे रखे हुए? खाना खाना देख के क्रेविंग मेरे हाथ ही रहे, और मैं खाना देख के मुझे ना वो स्ट्रेस अपना कम कर रही थी। बहुत अच्छा कर रही है। क्या खाया है, क्या पकाया आज आपने? अम्मी ने या कुक ने घर ये में क्या आया आज? बिल्कुल कहते हैं मीठे से स्ट्रेस कम होता है आई थिंक। वाह सुना है वाह, बहुत अच्छे। आपका मैंने दूसरा सवाल, जी, वो कौन सा कितने कितने पाकिस्तान करोड़ के लिए? 1 करोड़ के लिए अभी जो फहद मुस्तफा ने ये है शुरू आप किया है, सामने वो कौन सा पाकिस्तानी गुलकार है जिसने 2013 में लंदन 2 अरेना में परफॉर्म किया? ऑप्शन अली जफर, अली असमत या आतिफ असलम? अली अजमत, हमारे पुराने आई थिंक अली अजमत। चांस नहीं है मेरे पास। अच्छा अब दो में से एक 2013 मेरे में पास उन्होंने ना, लंदन टू अली अरेना में, जफर। दूसरा भी गलत, इट वाज आतिफ असलम। वेरी नाइस निम्रा। आतिफ असलम वो पहले गुलूकार हैं जिन्होंने लंदन 2013 में O2 अरेना लंदन में परफॉर्म किया, वो भी दो वाह दफा। या प्यारे सो बात। अमेजिंग मैन। अच्छा तीसरा सवाल, ओके थर्ड, पाकिस्तान की पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म कौन सी थी? ऑप्शन ए जवानी फिर नहीं आनी पार्ट टू, तीफा इन ट्रबल, चूड़ियां या फिर जवानी फिर नहीं आनी पार्ट वन?
वेरी गुड, यही पुराना नाम लग रहा था इसलिए ये पुराना ही पाकिस्तान की पहली ऐसी फिल्म है जिसने सबसे ज्यादा बिजनेस किया था, और इसने उस वक्त में किया था तकरीबन कोई 20 करोड़ अपने वो वक्त में. यस जी मुझे बताया इसने, जी मुझे इसने बताया. आयशा की जावा, अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं आप? ठीक हूँ. थैंक यू. तो मैं आपको देखती रहती हूँ वीडियो में. मेरे सवाल चल रहे होंगे. तो मैंने दिया ना. हाँ, वैसे दिया तो आपने. फिर इसी से सेम ऑलमोस्ट रिलेटेड, सबसे ज्यादा बिजनेस करने वाली फिल्म कौन सी थी? ऑप्शंस मैं नहीं दे सकती. पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बिजनेस करने वाली फिल्म कौन सी थी? जवानी फिर नहीं आनी. वेरी गुड, इट मेड 34 करोड़. या है ना. जवानी फिर नहीं आनी. क्या बात है, क्या बात है. अगली जवानी फिर नहीं आनी में निम्रा को होना चाहिए. सुन ले सारे. पाकिस्तान का लास्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान का कौन सा ब्रांड है जिसने इंटरनेशनल लेवल पर शनाख्त हासिल की? खाडी, नेशनल फूड्स या चेनवान? नेशनल फूड. जवाब गलत. खाडी. खाडी ने ना पहला ब्रांड है जिसने खाडी. खाटी ने ब्रेडफोर्ड में पहली अपनी शॉप खोली थी. उसके बाद क्योंकि हाँ मेरी बहन ने बताया, चलिए मुझे लगा शायद खाना और खाटी. हाँ खाना मतलब... भी बहुत हुआ, लेकिन वो कभी उस तरह लोगों के सामने नहीं आया ना. मतलब जैसे शान फूड्स भी हम सबके नाम ले लेंगे, स्पॉन्सरशिप मिलेगी हमें सब जो है वो ऑफकोर्स सालों से कर रहे हैं जिसे कहते हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, लेकिन उनका नाम कभी उस तरीके से मशहूर नहीं होता ना. निम्रा जी, मॉडलिंग ज्यादा पसंद है कि एक्टिंग करना? या पता है, सच बताऊं तो क्योंकि अब आप ज्यादा मॉडलिंग भी कर रही है ना, इसलिए ये सवाल बहुत फिट. दोनों अलग फील्ड्स हैं. बात सिर्फ इतनी है कि जहां मुझे 67 डेज या 65 डेज या 40 डेज देने पड़ते हैं एक ड्रामे में, वहां वो एक दिन मुझे देना पड़ता है. तो थकन के लिहाज से आई थिंक मॉडलिंग बेटर है, लेकिन लोग जो हमारे घर बैठे देखते हैं उनको मॉडलिंग से मेरा क्या. तो उनको उनके लिए ड्रामा करना भी मुझे मेहनत करना जरूरी होता है. तो इसलिए दोनों अलग अलग चीजें, मैं दोनों को प्रेफर करती हूँ. क्योंकि आई थिंक अगर मैं आज मॉडलिंग भी कर रही हूँ तो मे बी बिकॉज ऑफ माई ड्रामा साइड, कि मैं ड्रामे करती हूँ तो लोग मुझे एज अ निम्रा खान उस ड्रामे वाली, मुझे वो उस ड्रामे वाली एक्ट्रेस चाहिए. तो इस तरह तो आई थिंक मुझे वो ज्यादा हेल्प करता है मेरा काम. तो आई कीप बोथ टुगेदर. हाँ, तो मैं अभी ये नहीं पूछूंगी कमाई किसमें, वरना टैक्स वाले हमारे पीछे पड़ जाएंगे. लेकिन आई थिंक मॉडलिंग मॉडलिंग बेहतर रहती है. एक दिन में इंसान वो कमा लेता है जो आप 36 दिनों में कमाते हैं, है ना. सो यू थिंक विच इज वेरी नाइस. बड़ी प्यारी बात है क्योंकि बहुत लोग इस चीज को मानते नहीं है. लेकिन आई थिंक चूंकि आपने अपना एक नाम जो है वो टीवी में और फिल्म के थ्रू आपने बनाया है, उसकी वजह से आपको मॉडलिंग में आसानी है और उस नाम को लोग पे करते हैं, निम्रा जैसे कहते हैं. जो हमारी मॉडलिंग के मतलब जब मैंने स्टार्ट किया था, हमारे टाइम में थोड़ा डिफरेंट था. बहुत मुश्किल होता था मॉडल को उसके फिगर की वजह से या उसके स्टाइल की वजह से ज्यादा प्रेफर किया जाता था. अब यह है कि ट्रेंड चेंज हो गया, अब नाम की वजह से ज्यादा प्रेफर करते हैं. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो वैसे यहाँ बैठी हूँ. लेकिन मैं वैसे और फॉलोअर्स भी और यू नीड मोर फॉलोअर्स अभी भी. तो अब आई लेट मी नॉट टॉक अबाउट फॉलोअर्स, नॉट लेट्स नॉट गेट इन टू दिस. यही तक रखते हैं निम्रा. पाकिस्तान से तो बाहर आप जा, आपकी फेवरेट सिटी कौन सी है? कहीं भी दुनिया में. मैं पूरी दुनिया तो नहीं घूमी, लेकिन हाँ जहां जहां गई हूँ मैं, उस लिहाज से मुझे आई थिंक स्कर्दू सिटी ही है ना, राइट? अभी आप लेके आई हैं, बहुत खूबसूरत. आई लव स्कर्दू क्योंकि एक तो पहली चीज वहाँ फोन नहीं थे, वहाँ सिम्स नहीं थी,
वहां कोई आपका रिश्तेदार नहीं था, कोई कोई नहीं ऐसा था जो आपको तंग करे, और सिर्फ एक तरीके से ना वो मेरा मी टाइम था. मैंने लाइक यू नो मुझे मैं सफोकेट नहीं फील कर रही थी, मैं सांस ले पा रही थी कि मैं मटेरियलिस्टिक दुनिया में नहीं हूँ जहाँ पर लोग जज करते हैं आपको, जहाँ लोग आपके बारे में बैक बाइटिंग करते हैं. वहां पर सिर्फ मैं और मेरा साथ, ये मैं हूँ, ये मेरी तन्हाई है, और यहाँ मैं खुली सांस ले रही हूँ. बहुत जरूरी है. मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि क्योंकि एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है जो मुझे जाने से पहले मैं डेफिनेटली बात करना चाहूंगी, कि इंसान कोई पिक्चर डालता है वो थोड़ी लाउड होती है या थोड़ी ओपन होती है, या कभी कुछ कपड़े लोगों को नहीं पसंद आते, या लोगों को कुछ अदा पसंद नहीं आती तस्वीर में, तो लोग बहुत सारी बुरी चीजें जो है वो लिखते हैं बहुत सारी. और मैं तो बहुत सख्त खिलाफ हूँ इस चीज के, और मैं बहुत दफा इस बारे में बात भी करती हूँ कि इंसान उनको फॉलो करे जिनको वो पसंद करता है, जिनको वो देखता है, जिनको वो खुश करता है, खुश होता है. अगर मैं निमरा को फॉलो कर रही हूँ, या मैं मदीहा रिजवी को कर रही हूँ, या फिर मैं एमन को कर रही हूँ, या किसी मुनीब भट्ट को, किसी को भी कर रही हूँ, तो वो मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे वो पसंद है, बिकॉज आई वॉन्ट टू सी वट दे आर डूइंग, यू नो, कि वो क्या अपनी जिंदगी में कर रहे हैं. निमरा आज स्कर्दू पहुंची, ओह माय गॉड, मुझे पता ही नहीं था स्कर्दू इतना खूबसूरत है, यू नो, वो मुझे आपके थ्रू पता चला. तो मैं किसी के बारे में बुरा नहीं लिख सकती, तो मतलब अच्छा नहीं लिख सकती, तो मैं बुरा नहीं लिखती. तो आप क्या करती हैं जब बहुत ज्यादा लोग बुरा लिखते हैं किसी चीज के बारे में, अब आपके नहीं, सिर्फ किसी और की भी चीज जो आपको कोई प्यारी लगती हो, कोई कोलीग, तो कैसे हैंडल करते हो उसको? अच्छा, पहली चीज, जब शुरू शुरू में जब नई नई इस इंडस्ट्री में आई थी ना सुबह जी, मुझे ना अंदाजा नहीं था कि दुनिया ये है, क्योंकि हमेशा गर्ल्स स्कूल में रही, गर्ल्स कॉलेज में रही, फिर जब इंडस्ट्री में आई तो अम्मी हर सेट पे मेरे साथ होती थी, कभी अकेले नहीं छोड़ा. मुझे 26 साल की उम्र में पहला सेल फोन मिला, तो दुनिया की इतनी समझ नहीं थी मुझे ना, लाइक एक तरीके से कहते हैं कि न्यूली बॉर्न में उस वक्त हुई थी. तो जब पता, ये जब लोगों ने बोलना शुरू किया फॉर सम रीजन, जो मैंने नहीं भी किया वो भी बोला, तो जो किया वो कैसे उनको पता चला, तो इतना डिप्रेशन में रहती थी मैं, अम्मी की गोद में सर के रोती रहती थी. तो अम्मी ने मेरी उस वक्त एक बात ये समझाई थी कि निमरा, जब आपके बारे में कोई बुरा बोलना शुरू कर दे तो समझो वो आपकी सक्सेस की पहली सीढ़ी है. क्यों? इसलिए क्योंकि कोई आपसे अगर इनसिक्योर हो रहा है, आप एक नॉर्मल इंसान हो, एक रैंडम चलते फिरते, अगर आप एक चलते फिरते नॉर्मल इंसान हो, आपके साथ कोई इनसिक्योरिटीज ही नहीं है, तो फिर आपका किसी से कॉम्पिटिशन ही नहीं है ना. इनसिक्योर कब होता है इंसान? जब उसका आपके सामने कॉम्पिटिशन जब होता है, आप समझते हो कि यार ये, इसको मैं अपने आप से कंपेयर कर सकती हूँ, तो जाके लोग अपनी उस गर्ज को वो उस तरह निकालते हैं कि नेगेटिव बोल के, अपनी फ्रस्ट्रेशन को निकालते हैं उस तरह बोल के, तो वो पहली सीढ़ी है. तो उस वक्त से ही मैंने इस चीज को सीख लिया था कि मैं इसको एज अ पॉजिटिव ही लिया करूंगी, कभी नेगेटिव नहीं लूंगी. हाँ, मेरी कोशिश बस ये रहती है लोगों से कि अपना अपना माल हमने सबने लेकर जाना है. आप मेरे बारे में बुरा बोल के कभी भी अल्लाह मियाँ को पटा नहीं सकते कि अल्लाह मियाँ ये तो ऐसा ही ऐसा, इसको ऐसे करेगा. अल्लाह मियाँ कह रहे तुम इसके लिए बोल रहे हो, मैं तुम ही इसी चीज का सिला दूंगा. अपना अपना फैल है सबका, तो अपनी आखिरत क्यों खराब कर रहे हो बिलावजह, फॉर सम रीजन कि मैं एक कपड़ा पहन के मुझे वो अच्छा लग रहा है, और बुरा आप बोल के अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपनी जबान गंदी कर रहे हो, अपनी आखिरत गंदी कर रहे हो. तो उस पर मैं कहती हूँ ये, और मजे की बात ये कि उल्टा वो मेरा ही फायदा है कि जब कोई गीबत करता है तो आपके गुना धुल रहे होते हैं, तो वो तो मैं मतलब कहती हूँ कि चलो फिर करो, लाइक यू गो ऑन, मेरे गुना धुल रहे हैं, तो इसलिए फिर मैं इन चीजों को इसी तरह लाइक यू नो. लेकिन निमरा, इस तरह जितनी स्ट्रांग आप हो, इतने सब है नहीं, तो जो नहीं होते वो क्या करें? क्योंकि बहुत सारी, मतलब मैं खुद डिप्रेशन का पेशेंट रही हुई हूँ एक वर्ड में, मुझे खुद मैं इस वक्त से गुजरी हुई हूँ, मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ, थैंकफुली कभी दोबारा नहीं हुआ, लेकिन आई नो हाउ टू हैंडल. मुझे मालूम है कि मुझे अगर दोबारा कभी कोई एक जैसे कहते हैं बैक फ्लैश होता है, या कभी ऐसा एक दौरा तो उसको मैंने कैसे हैंडल करना है, वो मुझे खुद में समझ आ गया, क्योंकि इट्स समथिंग यू हैव टू स्टडी, इट्स समथिंग यू नीड टू गेट प्रोफेशनल हेल्प ऑल्सो. लेकिन जो नहीं इतने स्ट्रांग, जैसे बहुत सारे सोशल मीडिया में ऐसी लड़कियां हैं बेचारी जो बहुत
बहुत सारी उन्हें अपनी जाने भी ली हैं, बहुत सारी बहुत सख्त डिप्रेशन में भी चली गई, वो सब क्या करें जो आपकी तरह इतनी स्ट्रांग नहीं है? मैं अभी थोड़ी देर पहले यही बात कर रही थी अपने दोस्त से कि जो आपके करंट इमोशंस होते हैं ना, वो उसी वक्त अगर एग्जीक्यूट कर जाए, लाइक उसी वक्त वो निकल जाए तो बहुत बेहतर होता है, रादर देन आप उसको उससे मैं अभी लास्ट दिसंबर कुछ सिचुएशन बहुत सारी ऊपर नीचे फेस कर रही थी, उससे ओवरकम करने के लिए मैंने प्रोजेक्ट साइन किया और मैंने अपने संडेज भी देना शूट वालों को शुरू कर दिया कि नहीं मैं डिस्ट्रैक्टेड रहूंगी तो मैं यस मुझे डिप्रेशन नहीं होगा, मैं लोगों से वो क्या कहते हैं कम्युनिकेट करूंगी तो शायद मेरा डिप्रेशन लेवल लेवल एंजाइटी लेवल कम हो जाएगा, बट सम हाउ वो मैंने उस वक्त उसको ब्लॉक किया ना तो वो बाद में जाके कहीं और फटा, सही है? तो मैं लोगों को बस ये समझाती हूँ कि मैं अपनी आपका सवाल ही भूल गई, आपने सवाल क्या कहा था, अपनी बात नो नहीं प्रॉब्लम. कि जो इतने स्ट्रांग नहीं होती, जो स्ट्रांग हाँ इतने नहीं होते, वो कैसे इस चीज को हैंडल करें? मैं एग्जैक्टली तो मैं इसी पे कह रही थी कि मुझे उस वक्त समझ नहीं आया कि मुझे उस वक्त क्या करना चाहिए था, मुझे उस वक्त नहीं पता चला कि मुझे मुझे उस वक्त रो लेना चाहिए था या मुझे उस वक्त गुस्सा आया तो उस वक्त गुस्सा कर लेना चाहिए था, लेकिन मुझे समहाउ अब किसी चीज पे गुस्सा आता है तो मुझे वो चीज ट्रिगर करती है अब, और अब मैं उस बर्स्ट आउट कर जाती हूँ, कभी कभी बहुत अग्रेसिव हो जाती हूँ, गुस्सा हो जाती हूँ। तो ये कि पहली चीज जो मैंने पहला रूल अपनाया है कि जो ये लोग हमारे लिए गलत बातें लिखते हैं, मुझे माया अली की बड़ी प्यारी बात लगी थी, मैंने उससे सीखा ये बात कि हम पब्लिक फिगर हैं, हम पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, सही है? तो लोगों ने हमें अपनी प्रॉपर्टी समझना शुरू कर दिया कि वो हर चीज हमें जज करना शुरू कर दिया है क्योंकि हमें कोई अथॉरिटी नहीं दी उन्होंने आपके लिए बोलने की, बट उनके पास सारी अथॉरिटी है हमें कुछ ना कुछ कहने की। तो मैं कहती हूँ कि मैंने तो ये रीड ही करना छोड़ दिया कमेंट्स, मुझे पता ही नहीं कि मेरे लिए क्या नीचे लिखा जाता है, लोग शिकायत भी करते हैं कि निम्रा जी आप हमें क्यों नहीं रिप्लाई करती, क्योंकि मेरी अगर आंखों के सामने से गलती से भी कोई ऐसा कमेंट गुजर गया और जो मुझे नहीं पता कि मैं दिसंबर से या मैं सालों से क्या फेस करती आ रही हूँ, वो चीज इधर ट्रिगर कर गई तो मुझे नहीं पता कि मैं कौन सी निम्रा, मेरी कौन सी साइड एकदम से निकलेगी। वेरी तो गुड, इसलिए आई अवॉइड, वेरी कहते हैं गुड. समटाइम इट्स गुड टू बी डम, मुझे कुछ नहीं पता होता कि मीडिया में क्या चल रहा है, आई डोंट मेक फ्रेंड्स, आई डोंट गो आउट, मैं किसी से ज्यादा बात नहीं करती, मैं बहुत ऑल्दो टॉकेटिव हूँ, मुझे बहुत पसंद है बोलना, जैसे आज आप मुझे मिली मैं आपसे सिर्फ बोली जा रही हूँ, मुझे मुझे कोई बहुत अच्छे अच्छा लोग लग से, रहा है. मुझे जो अच्छे लोग मिले उनको। मुझे हमारी पहली मुलाकात भी याद है. मुझे नहीं पता आपको याद है कि नहीं, लेकिन मुझे बहुत याद है. और मैं ऐसी चीजें बहुत कम भूलती हूँ. मेरा ख्याल है हम सिक्स सिग्मा के सामने थे, और मैं गाड़ी में से उतर के अंदर जाने लगी थी, और आप वहां से बाहर निकल के आ चुकी थी कोई मीटिंग करके, और आप अपनी गाड़ी में बैठने लगे थे. तो आपने मेरी तरफ देखा, और मुझे आपका कसम से तब नाम नहीं पता था. मैंने आपको देखा हुआ था, मैं ये भी मैंने साथ में आपको हूँ। देखा हुआ था, मुझे ये भी पता था आप ड्रामों में काम करती हो, और मेरे साहब का खावंत ने भी मुझे तब बताया था कि आप कौन हैं. तो मुझे, लेकिन आपका नाम उस वक्त जो है ना वो याद नहीं था, लेकिन मुझे पता था कि ये चेहरा जो है इसको मैं जानती हूँ. फेमिलियर तब है मुझे या मिनाल और एमन का भी नहीं पता था, क्योंकि हम मॉडलिंग ओके में इतना बिजी रहते थे कि हमें उस तरीके से नहीं वो पता ड्रामों का या क्रेज अभी नहीं आया था. तो मैं उतरी थी, और आप गाड़ी में बैठने लगी थी, फिर आपने मुझे देखा, और फिर आप मेरी तरफ आई, और आपने मुझे सलाम किया, मैंने आपको वालेकुम असलाम किया, हमने एक दूसरे का हाल पूछा, और उसके बाद आपने स्माइल की. और मेरा ख्याल है तब आपका बहुत आपके एक्सीडेंट से पहले की बात है, ये मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, ये करियर का आपके बिल्कुल एक्सीडेंट स्टार्ट था मेरा कुछ या ऐसा ही वक्त उनमें था. और फिर मेरी आप लाइफ का करके, दूसरा ड्रामा था। हाँ, तो आप करके चली गई, और मैं उसके बाद घर गई, और मैं सारा दिन, मुझे ना बहुत अच्छी लगती हैं ऐसी चीजें. मुझे, मेरा अगर किसी ने कभी जान लेनी हो ना, तो आप मुझे प्यार से मुझे मार सकती हैं. आप मुझे इतना प्यार दें कि मैं मर स्टार जाऊं. क्या है? मेरा कैप्रिकॉन. अच्छा कैप्रिकॉन है, मैं कैंसेरियन हूँ, लाइक मोस्टली कैंसेरियस की कैप्रिकॉन से बहुत बनती है क्योंकि मेरी मदर कैप्रिकॉन है और मेरी छोटी हाँ, बहन कैप्रिकॉन है, तो ये कि मेरी इनसे माशाल्लाह. बहुत तो बनती है तो मैं इनसे वो जान आपकी जो छिड़ अदा है ना, वो मुझे बहुत अरसे तक याद रही. और मुझे तब, उसके बाद मैंने
फिर मैंने जाके पूछा, मैंने कहा यार ये इनका हाँ नहीं, ये निंद्रा है और इसका एक्सीडेंट और फलाना, फिर मुझे आपके बारे में बहुत ज्यादा पता चला। खैर फिर उसके बाद हम कभी मिले नहीं, लेकिन ये खूबसूरत बात है कि आपको किसी का यू नो किसी का बस इखलाक याद रह जाता है, और मेरा ख्याल है वो बहुत 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 जरूरी है। यही है, मैं अपना सब कुछ, हम जिस दौड़ में लगे हुए ना अभी, ये हमने सब कुछ यही छोड़ देना है, हमने जो लेकर जाना है ना वो डेफिनेटली सिर्फ यही के कहते ना हुकूक लिबात, लाइक आप अपनी जात से, अपनी जबान से, अपने आप से किसको कितना खुश रख सकते हो। सिर्फ एक, मैं अभी रास्ते में मैं अपने दोस्त से ये बात कर रही थी कि कोई गरीब बंदा आके दरवाजे मेरे गाड़ी के विंडो पे नॉक करके कहता है कि मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं फकीर नहीं कहना चाहती उनको, लेकिन हाँ बैगर्स जब आके कहते हैं तो मैं वॉलेट खोलती हूँ, मेरे वॉलेट से नोट नहीं निकलता या कैश नहीं होता उस टाइम पे, तो मैं लिटरली शीशा नीचे, मैं ये नहीं कहती जो चलो माफ करो, मैं शीशा नीचे करके उनको कहती हूँ कि आई स्वेयर टू गॉड मेरे पास वॉलेट में पैसे नहीं, वरना आपको जरूर देके जाती। क्यों? क्योंकि सुफे जी वही वाली बात है कि जहां तक आपने वॉलेट उठाया उसकी नजर आपकी वॉलेट पे, आपने वॉलेट खोला उसकी नजर आपके वॉलेट पे, उसको उम्मीद बन गई, इतनी देर में उसकी उम्मीद बन चुकी है और आप सिग्नल खुलता है और आप चले जाते हो एकदम से, बिल्कुल वो उम्मीद वहीं रह गई और वो टूटी है उम्मीद, आप समझ रहे हैं, वो उम्मीद टूट गई उसकी, और आपने अपनी जात से एक सेकंड का, ये सिर्फ एक सेकंड की थॉट होती है, ज्यादा नहीं इसमें इतना डीपी जाना होता, लेकिन अगर आप इन छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखने लग जाए ना तो आपके शायद बहुत मेजर मेजर इश्यूज यू हल हो जाए इन वजह से, क्योंकि उस टाइम मेरा ख्याल है मुझे जो मांगने वाला है उसको भी खुशी होगी कि यार एटलीस्ट ये मुझे बता के जा रही है। मैंने शीशा नीचे करके मैं बोलती हूँ ऐसा, वो उन्होंने मुझे फ्री में दुआ देते थे, अल्लाह आपको वैसे ही खुश रखे, हमें कोई बात नहीं, आप अल्लाह आपको वैसे ही खुश रखे, आपको फ्री में दुआ भी मिल गई, आपने किसी को तकलीफ भी नहीं दी, भले पीछे वाले हॉर्न दे रहे लेकिन एक सेकंड के लिए आप किसी की जात को खुश करके चले गए, लाइक और मैं भले हम लोग वेस्टर्न कपड़े पहनते हैं, भले हम लोग बहुत ज्यादा इस्लाम को फॉलो नहीं करते, बहुत ज्यादा हम लोग रिलीजियस नहीं है, ठीक है, लेकिन जो मेजर मेजर चीजें आपको पता है ना, आप एटलीस्ट उन पे फोकस रहो ना, तो हमारे अल्लाह भी इतने जजमेंटल नहीं है कि वो आपको इन जज कर, हमने इस्लाम बड़ा मुश्किल खुद बनाया हुआ है, हमने खुद बनाया, वही कहने लगी थी इतना खूबसूरत मजहब है और इतनी आसानियां हैं और इतनी खूबसूरती है, लेकिन ये एक बहुत लंबा टॉपिक है क्योंकि अब आपकी पहली बात तो बहुत 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 शुक्रिया निम्रा कि तुमने मेरे लिए टाइम निकाला, और तो कभी कभी मैंने बहुत देर तक तुम्हारे जवाब का इंतजार किया, लेकिन चलो माफ किया, तुम्हारी उस अदा पे माफ किया जो तुमने आके मुझे सलाम किया था। हमेशा ऐसे रहना प्लीज, हमेशा ऐसे रहना, क्योंकि तुम जैसे लोगों की बहुत जरूरत है। मैं तो कहती हूँ मैं तो ऐसी रहना, मैं तो यही कहती हूँ, बहुत सारे लोग अक्सर कहते हैं हाँ वो बड़ी आर्टिफिशियल है, वो बड़ी अच्छी बनती है, मैंने कहा अच्छा ठीक है बनती है ना, बनने दो जो भी है, बट एटलीस्ट बनने तो मुश्किल है, बने तो ना, वो इतना मुश्किल है सबसे ज्यादा, जो होता है वो तो नेचुरली होता है, बनना ही तो अच्छा मुश्किल है सबसे ज्यादा, मैंने कहा एटलीस्ट रास्ते में तो है, चाहे आर्टिफिशियली सही लेकिन अच्छा रास्ता तो है ना। हाँ। और क्योंकि आपकी मैंने आवाज सुन ली, और आज 23 मार्च है, तो जाने से पहले कोई खूबसूरत कौमी तराना ही सुना दे नगमा, मुझे तो बहुत दिल मिली नगमे आते हैं, आपको भी आते होंगे? हाँ मुझे भी आते हैं, मैं तो यहाँ बर्लिन में बड़ी हुई, हमें तो गाने पढ़ते थे, मैं और मेरी सहेलियां, हम लोग रिप्रेजेंट करना पड़ता होगा ना, जब भी 14 अगस्त होता था फिर हम लोग इकट्ठे आते थे। अब हम आपको साथ आपको ज्वाइन करूंगी। नहीं आप करें, मैं आपको ज्वाइन करती हूँ, आपकी आवाज बहुत अच्छी है। देखिए मैंने पहले सुनी थी ना आपकी फॉरन बात, अब प्लीज आप थोड़ा सा, मैं आपको आपको ज्वाइन करूंगी। उफ अच्छा चले ठीक है, मैं इतने नखरे करने वालों में से नहीं, मुझे तो इतना फर्क नहीं पड़ता, मेरा कौन सा किसी ने ड्रामे का एग्रीमेंट कैंसिल कर देना, वेट करें। इतने सारे है ना, जीवी जीवी इज ऑलवेज माय फेवरेट, ए वतन भी बहुत मुझे पसंद है, आई डोंट नो कुछ भी यार, आपको कौन सा आता है, मुझे तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान, मुझे तो सारे ऑलमोस्ट आते हैं। और बक्तावर मिलके गाते हैं, जीवे जीवे गाने से सेम फील, प्लीज साथ बैठो आओ हमारे साथ गाओ। ओके चले शुरू करें, आप शुरू करें, मैं ज्वाइन करती हूँ। बक्तावर रेडी? जीवे 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 पाकिस्तान, जीवे जीवे
जीवे पाकिस्तान 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 जी जीवे जीवे पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान। किसी ने लिखा है सोनी धरती, आप गाएंगी, चलें जल्दी से दो लाइन। सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम माँ बाप, कदम कदम माँ बाप तुझे, कदम कदम माँ बाप। थैंक यू सो सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रहे, खुश रहे, आपको भी आजाद रहे, और हमेशा हमेशा खुश रहे। बहुत सारा प्यार आपके लिए, आपके घर वालों के लिए, बहुत सारी दुआएं, और ये छोटी सी को बहुत सारा प्यार मेरी तरफ से। और पढ़ाई जो है वो बहुत जरूरी है, चाहे कोरोना है, घर में बैठ के पढ़ना है। मेरी मेरी दोनों भी घर में बैठ के पढ़ती हैं। हाँ, ये भी ऑनलाइन पढ़ रही है। कोई और हेल्प भी तो नहीं है। लॉट्स ऑफ लव निम्रा, स्टे ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू, खुश रहो, थैंक यू, खुदा हाफिज़। जिन जिन के कमेंट्स इग्नोर किए, लॉट्स ऑफ लव टू यू टू। जानबूझ के किए, जानबूझ के किए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने का, लेकिन हम जवाब नहीं दे सकते। पाकिस्तान जिंदाबाद, ऑलराइट, थैंक यू, बाय, लॉट्स ऑफ लव।